इसमें 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK फ्लैट्स अवेलेबल है एंड हमारा एक मेगा टाउनशिप भी आने वाला है जस्ट नियर ही। तो हीट रेजिस्टेंट टेरेस टाइल्स है, ये छत के ऊपर लगता है और ये लगाने के बाद आपका घर का टेम्परेचर 8 डिग्री तक कम हो जाता है। 8 डिग्री तक? जी 8 डिग्री तक कम हो जाता है। सर ये फ्लाइएस ब्रिक्स हो गया, अपना जो लाल ईटा आता है ना तो वो चीज नहीं है, ये अलग चीज है। तो ये एक्सपोर्टर्स काफी काम का, मतलब बहुत अच्छा एक्सपो मेरे को लगा अभी तक का। इसमें बहुत कुछ आपको घर से रिलेटेड, जमीन प्रॉपर्टी हो या फिर टाइल्स हो, पांच वगैरह हो, ब्रिक्स हो, घर को ठंडा रखना उससे रिलेटेड यहाँ पर बहुत कुछ आपको दिखने वाला है। ये देख लीजिएगा नेचर का क्या सोफा वाला एकदम बैठने वाला, वो काफी हल्का है, देख रहे हैं एकदम भारी नहीं है। फिर यहाँ पर देखिएगा कपड़ों का स्टॉल भी लगा हुआ है, आगे बढ़ते जाएंगे ऐसे करके बहुत सारे स्टॉल आपको दिखने वाला है यहाँ। तो मैं हूँ दोस्तों जय, स्वागत है नए ब्लॉग के साथ। अभी BIA का यहाँ पर एक्सपो लगा हुआ गांधी नगर गेट नंबर 10 के पास, तो उसको एक्सप्लोर करने वाला क्या है कुछ यहाँ पर दिखने वाले हैं। तो चलिए चल के अंदर एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं क्या है आप लोगों को दिखने वाला, किस चीज़ का ये एक्सपो लगा है। देख सकते हैं एंट्री बिल्कुल फ्री है, BIA लिखा हुआ है, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन एंड KDI द्वारा आयोजित एक्सपो है। चलिए अंदर लेके चलते हैं भाई, काफ़ी बड़ा एकदम इसका एक्सप्लेन हो गया, क्या खूबसूरत बनाया गया एक्सपो भाई। देख लीजिए एफिल टावर यहाँ पर सेल्फी के लिए जून बहुत अच्छा बना हुआ है, यहाँ पर भी वही दिखने वाला है जो कल का ब्लॉग में आपको दिखाए थे। अब ये कब तक रहेगा कोई आइडिया नहीं, देख लीजिए सेल्फी टावर यहाँ पर बना हुआ काफी खूबसूरत, लोग एकदम फोटो ले रहे हैं। ये देखिए एफिल टावर यहाँ पर है, सेल्फी टावर इसको बोल सकते हैं, एफिल टावर नहीं, देखिए लोग खड़े होकर फोटो ले रहे हैं यहाँ पर। आइए तो एक्सपो को घुमाते हैं, वेलकम टू KDI दुबई एक्सपो, क्या कुछ यहाँ पे एक्सपो में हम लोग देख लेंगे। इस तरह से देखिए दो चार ऐसे करके बना हुआ, अभी 27 तक ये रहने वाला है, अंदर चलते हो चल के थोड़ा दिखाते हैं। जी हाँ, क्यों नहीं, अच्छा से पहले दिखा देते हैं कौन सा एक्सपो है। चलिए आगे लेके चल रहे हैं, अच्छा ये किस चीज़ का ये एक्सपो है थोड़ा अच्छा से जानेंगे इसके बारे में। क्राफ्टिंग रियल्टी वेनिस स्टार लिखा हुआ है, आइए इस तरह से देखिएगा बहुत सारा आपको दिखने वाला है स्टॉल, आगे आप लोग बात कर सकते हैं क्या कुछ है इसके बारे में बता रहे। बुकिंग ओपन, अच्छा फ्लैट वगैरह आपको चाहिए तो इसके बारे में जूम करके आपको दिखा देंगे, देख लीजिए। और यहाँ पर भी कुछ कुछ है, यहाँ पर भी आपको थोड़ा दिखा देंगे। वेनस स्टार का क्या लिखा हुआ है इसके बारे में जानते हैं, क्राफ्टिंग गैलरी क्या इसके बारे में थोड़ा हम लोग को बताइएगा। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम एलेक्स हुआ अलेक्जेंडर, ये हमारी वीनस स्टार कंपनी है। अभी हम लोग का जो प्रोजेक्ट है नियर बाई खगोल रोड है, हम लोग का वीनस एम्पायर अभी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है जो इसी साल हैंडओवर होने वाला है। इसमें 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK फ्लैट्स अवेलेबल है एंड हमारा एक मेगा टाउनशिप भी आने वाला है जस्ट नियर ही, तो उसके लिए भी इसी साल में है वो लॉन्चिंग का, तो उसके लिए भी ये एक है। मेन आप लोगों क्या पर्पस यहाँ पर है? मेन पर्पस है कि कस्टमर को बताना, जो भी कस्टमर बिहार के है ना बहुत सारे डरे रहते हैं कि उनको फ्लैट या जो भी जमीन वो मिलता नहीं है। अच्छा। हम लोग दो चीज के साथ ही चलते हैं, एक क्वालिटी के साथ हम लोग कोई भी कम्प्रोमाइज नहीं करते, टाइमली डिलीवर देते हैं। बिजनेस का ये लोगो ही साथ में कि टाइमली डिलीवर एंड क्वालिटी फर्स्ट प्रायोरिटी है क्लाइंट के लिए। अच्छा। तो ये चीजें हम लोग लेके चल रहे हैं क्लाइंट के लिए। चलिए ठीक है, तो अच्छा से मैंने बता दिया, पूरा डिफाइन कर दिया है। आपका पेज वगैरह भी है क्या? हाँ, एक मेरा खुद का यूट्यूब चैनल भी है एलेक्स ब्लॉगर के नाम से, ब्लॉगर में VLOGGER ब्लॉगर का नाम है एलेक्स ब्लॉगर, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, उसमें भी आपका वीनस का पूरा हम लोग वीडियो बना के मैं डालता हूँ। चलिए ठीक है, तो अच्छा से जानकारी चाहिए तो भाई के पेज को फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, तो फ्लैट रेट सब लेने की दिक्कत, थोड़ा जमीन वाले लेने में प्रॉब्लम हो रहा हो तो यहाँ पर आइए, अच्छा से आपको जानकारी मिल जाए, कहीं पर भी आप लोग जाके बात कर सकते हैं। और भाई ने भी थोड़ा अच्छा से हम लोग को बता भी दिया, अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ पर गांधी नगर भी लगा हो 27 तारीख तक यहाँ पर आप लोग आ सकते हैं। और आगे लेके चलते हैं और भी आपको दिखा देते हैं क्या कुछ हम लोग को यहाँ पर दिखने वाला है। पूरा एक्सपो तो भाई जबरदस्त लगा हुआ है, सब में अलग अलग चीज़ आपको दिखने वाला है, देख लीजिए सब जितने स्टॉल है सब में अलग अलग होने वाला है। वहाँ पर भी फिर वहाँ से फिर खरीदने वाला चीज़ हो जाएगा, ये आपको दिखा दे, स्टील का लग रहा है मेरे को, देख लीजिए ये सब बेफालतू का कुछ भी, सब काम का चीज़ है, देख लीजिए अच्छा से आपको समझना पड़ेगा इस एक्सपो में आकर, डायट आपको डिफाइन करेंगे बहुत टाइम लग जाएगा। ये देखिए जनरेटर वगैरह का यह भी है, वो आप लोग खरीद सकते हैं, ये एक्सपो में इसी के बारे में बताया जाएगा, देख लीजिए। ये देखिए सोलर पैनल के बारे में भी है, ये सब के बारे में कैसे इस्तेमाल होता है, ये एक्सपो में कुछ बिकाऊ वाला चीज़ नहीं है, बाथरूम वगैरह अपना करवाना हो तो ये सब का भी देख लीजिए, ये देख लीजिए केमिकल अर्थिंग इलेक्ट्रोड है, तो अगर आपके यहाँ कभी AC में या गीजर पे या आयरन पे अगर करंट आ रहा है तो अर्थिंग अगर ग्राउंड हो जाएगा जमीन में तो ये सारा करंट ये ड्रॉप कर लेगा और ये किसी को करंट नहीं लगेगा। और सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है छोटे बच्चे अगर जाके फ्रिज खोल दिए अर्थिंग नहीं है तो उसके तो करंट लगने का चांस रहता है,
तो अगर अर्थिंग इंस्टॉल हो जाएगा तो करंट नहीं लगेगा, सब सेफ्टी ही रहेगा। बोलते क्या ये केमिकल, इसको अर्थिंग इलेक्ट्रोड बोलते हैं जी। और ये हमारा लाइटिंग अरेस्टर है, ये जो आकाशीय बिजली गिरती है उसको रोकने के लिए है। इसका इस्तेमाल किया जो घर वगैरह नया बना उसमें? हाँ जी, ये डोमेस्टिक कॉमर्शियल हर जगह पे यूज होता है। चलिए दोस्तों तो आगे लेके चलते हैं और देख लेते हैं क्या क्या एक्सपो में है। बहुत कुछ ये देखिए लैब्स, ये 3D अपना पान केस के अंदर दिखाया जा रहा है। ये भी कुछ कुछ नया नया टेक्निक आया है, बहुत कुछ आपको इस एक्सपो में दिखने वाला है भाई। घर का जितना रिलेटेड है वो आपको बाइक के लिए नहीं, खरीदने के लिए भी, सब शो के लिए आपको इसके यहाँ डेमो यहाँ पर बताया जाएगा। देख सकते हैं बैग वगैरह का भी लगा हुआ है। जनरेटर पता नहीं ये क्या है, प्लेटेनियम S80, इसके बारे में तो मेरे कोई आइडिया नहीं है, पूछ लेंगे क्या है भाई। वेल्डिंग का ऐसा मशीन भी यहाँ पर लगा हुआ है, जो भाई काम करते हैं घरों में जो बनाते हैं उनके लिए काम आने वाला है। इस तरह से एक्सपो में आपको बहुत कुछ दिखने वाला है, देख लीजिए। चलिए आगे लेके चलते हैं ना, पानी का टंकी वगैरह का इसके बारे में पूरा सब कुछ यहाँ पर देख लीजिए। एक्सपो में सब काम ही आपको दिखने, जो घर वगैरह बना है ना आपका, नया नया घर बन रहा है, पुराना या कुछ लगाना, वही सब आपको सब कुछ यहाँ पर दिखने वाला मिलने वाला है। तो ये जो एक्सपो है काफी काम का चीज़ है, यहाँ पर एकदम घर का रिलेटेड आप सब कुछ में के बारे में, घर में आपको नया घर बन रहा है तो कि भूकंप वगैरह से बचाना हो तो उसमें क्या क्या चीज़ होना चाहिए, तो बच्चों को झटका नहीं लगे उससे रिलेटेड आपको क्या चीज़ वहाँ घर में लगवाना चाहिए, कैसा टंकी चाहिए, नया टाइप का टंकी है जैसे ज़्यादा पानी को सपोर्ट कर, इस तरह से बहुत कुछ एक्सपो में आपको दिखने वाला है। ठीक है आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा कार वगैरह पूरा लगा हुआ है, या गाड़ी का है, या गाड़ी आप लोग खरीद भी सकते हैं, देख लीजिए ये गाड़ी का है। यहाँ पूरा अंदर पूरा गाड़ी के बारे में सबको बताया जाएगा, देख लीजिए इस तरह से बहुत कुछ एक्सपो में लगा हुआ है। यहाँ पर देखिएगा ईटा पत्थर कुछ रखा है, उसके बारे में पूछते क्या थोड़ा बताइएगा भाई इसके बारे में हम लोग। ये सर ये फ्लाई एश ब्रिक्स हो गया, अपना जो लाल ईटा आता है ना तो वो चीज नहीं है, ये अलग चीज है। ये बेसिकली आपका NTPC थर्मल प्लांट में जो आपका राख निकलता है फ्लाई एश, वो और बालू का मिक्सचर और सीमेंट का मिक्सचर से ये फ्लाई एश ब्रिक्स बनता है। अच्छा अभी सर बेसिकली हमारा जो ये ज्यादातर ईटा चलता कहाँ है, अभी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में ना गवर्नमेंट लोग क्या ये मैंडेट कर चुके हैं, ये कंपल्सरी कर चुके हैं। जैसे हमारा ये जो है अभी इतने सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में अभी ईटा हमारा लगा है, ठीक है। अच्छा। जैसे नमामि गंगे हो गया, IIT हो गया। अच्छा नमामि गंगे में लगा है? हाँ जी, हाँ जी सर। और IIT आपका बीटा में हो गया, आरा में हो गया, है ना? IIT बीटा में कल उसको गए थे ब्लॉग बनाने के लिए। हाँ जी, हाँ जी सर। तो ये इतने सारे और इसके सर बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं। इसके साइज की बात करूँ तो दो साइजेस आते हैं, एक 9 इंची और एक 10 इंची आता है, ठीक है। 9 इंची का आपका लेंथ ब्रेथ दिया रहता है इसमें आपके हमारा सारे पंपलेट में, ये 250 एमएम आता है और इनटू 120 और 75 एमएम। अच्छा और इसमें बेनिफिट है कि हम और भी सारे बेनिफिट्स से बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, पॉल्यूशन फ्री है, इको फ्रेंडली। तो ये नॉर्मल घर में मतलब नहीं? नहीं नहीं, ये नॉर्मल घर में के लिए भी है सर, ये आप नॉर्मल घर में भी बना सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। जैसे अभी आप जो लेते हैं उससे मतलब इसका कुछ प्राइस तो होगा? हाँ, अगर प्राइस की बात करूँ तो वो जो नॉर्मल ईटा हम लोग जो लगाते हैं लाल वाली ना, वो अभी डिपेंड करता है जगह पे। जैसे बहुत सारे जगह पे वो 12 रुपए रेट है, कहीं 14 रुपए रेट है। अगर बात करूँ सर इसके, ये अगर इंक्लूड जीएसटी ये 9 रुपए कॉस्टिंग करता है। अच्छा। और ये ईटे की बात करूँ तो ये 8 रुपए कॉस्टिंग गिरता है इंक्लूड जीएसटी। अगर आप हमारे इंटायर पटना में अगर ऑर्डर करते हैं, अगर पटना हमारे फैक्ट्री से 40 किलोमीटर के रेंज तक, तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको घर तक पहुंचा कर दूंगा विथ FOR, कोई चार्जेस नहीं पहुंचाने का। कैसे करेंगे ऑर्डर करवाना होगा तो? हाँ, तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। हमारे ऑफिस का एरिया भी दे रखा है यहाँ पे, ऑफिस कॉन्टेक्ट नंबर है, ठीक है। ये हमारे डायरेक्टर के नंबर है, ऑफिस का कार्ड दिखा देते हैं, देख लीजिए। कॉन्टेक्ट करना होगा तो वीडियो में है, पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा। और ये ऑफिस का कौन सा ऑफिस भैया? ये वाला हम लोग बता रहे थे सर वो इको फ्रेंडली है, पॉल्यूशन फ्री होने वाला है, अच्छा से इसका एक बार स्पेशल व्लॉग लेकर आएंगे। बाकी तो हम लोग पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिए है, अब और आगे लेके चलते और दिखा देते हैं। तो ये इधर का जो आप लोग देख रहे हैं, देखिए नेचर कंपनी का है, देख लीजिए नेचर का है, सब कुछ जो आपको दिख रहा है सब कुछ नेचर का होने वाला है। टेबल हो, चेयर हो, या फिर कुछ भी घर का आपको देख रहे हैं, बाल्टी वगैरह भी हो, ये सब कुछ भी साफ करने वाला काम आता है, मग भी हो, सब कुछ आपको नेचर का मिलने वाला है। काफी फेमस ये बिहार का है, बिहार का खुद ही ब्रांड है, देख लीजिए। तो आप लोग भी अगर इसको बाय भी कर सकते हैं। ये देख लीजिएगा नेचर का क्या सोफा वाला एकदम बैठने वाला, वाह काफी हल्का है, देख रहे हैं एकदम भारी नहीं है, घर पे आराम से बैठी उठी इस पे काम का चीज है। वो ये देखिए क्या पहली बार से यूनिक आप लोग देख रहे होंगे। 450 से स्टार्टिंग यहाँ पर प्राइस आपको मिनिमम मिलने वाला है, 2000 तक चला जाएगा।
डिपेंड करता है कैसा क्वालिटी लेने वाला, उस पर डिपेंड करता है। ये कितने होगा सर ये अगर करते हैं तो? काफी मेरे को यूनिक दिख रहा है, जितना लोग चेयर देख रहे हैं सब में यूनिक सबसे ये दिख रहा है। तो ये भी देखिए क्या यूनिक चीज है, देखिए डिजाइन सिर्फ डिजाइन सिर्फ शो के लिए नहीं बना हुआ, ये बैक के लिए देख रहे हैं काम करते हैं आप लोग। अच्छा फ्लेक्सिबल है ना, बहुत फ्लेक्सिबल और आपके पीठ के आपके हिसाब से वो मिलता है, लगेगा कोई आपका पीठ दबा रहा है। इसका डिजाइन भी देखिए, बाकी सबका बोलो देखिएगा, जूम करके दिखाते देख लीजिए और इसका देख लीजिए कैसा है, देख रहे हैं आराम से बैठ के जो बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हैं उनके लिए चेयर बहुत अच्छा होने वाला है। चलिए काफी अच्छे है, नेचर का देख लीजिए, अपने बिहार का है ना, अपने बिहार का पटना का फैक्ट्री है, आइए आप लोग यहाँ पर बाय करिए, कुछ डिस्काउंट भी आपको अच्छा मिलने वाला है। ये देखिए यहाँ पर कुछ हम लोग को दिख रहा है यूनिक है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ये देखिए हीट रेजिस्टेंट टेरेस टाइल्स है, इसके बारे में थोड़ा बताइएगा इसके बारे में क्या है। ये हीट रेजिस्टेंट टेरेस टाइल्स है, ये छत के ऊपर लगता है और ये लगाने के बाद आपका घर का टेम्परेचर 8 डिग्री तक कम हो जाता है। 8 डिग्री तक? जी 8 डिग्री तक कम हो जाता है आपका। तो ये छत लगता छत के ऊपर है पर आपका जो सीलिंग है जहाँ पे पंखा लगा रहता है वहाँ आपको 8 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है, मतलब जिस घर पे लगा नहीं है और जिस घर में लगा है उसमें 8 डिग्री का अंतर आ जाता है। तो बेसिकली जब आप फैन ऑन करते हैं तो जो हवा गर्म तेज मारता है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। अच्छा, बिल्कुल घर ठंडा हो जाता है, गर्मी में बहुत छत गर्म हो जाता है। हाँ, छत जो बहुत गर्म हो जाता है, ये इतना ठंडा रहता है कि आप इस पे नंगे पांव ऊपर छत पे चल भी सकते हैं, बेयर फुटेड आप चल सकते हैं, आपका पैर नहीं चलेगा। अच्छा देख लीजिए छत से जो गर्म हो जाता है वो अपना लगवा सकते हैं। अच्छा नॉर्मल फ्लोर पर मतलब ये नहीं लगेगा? नॉर्मल फ्लोर पे भी लग सकता है, लगेगा बिल्कुल वहाँ भी लग सकता है। अच्छा मेन मतलब छत के लिए, लेकिन इसका पर्पस है क्योंकि इसमें वाटर प्रूफिंग भी है, ये 100% वाटर प्रूफ भी है, यानी कि गर्मी भी आपका सोल्यूशन कर देगा और पानी का सीपेज का भी सोल्यूशन, तो एक साथ आपका दोनों प्रॉब्लम छत का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। वाह ये देखिए ये दोनों एक ही है? और हाँ दोनों एक ही है, अलग मटेरियल में, ये अलग मटेरियल से बना है पर दोनों हीट रेजिस्टेंट टाइल्स ही है। अच्छा, और दोनों आपका टेम्परेचर कम करता है, तो दोनों की एक ही खासियत। लगवाना हो तो फिर कैसे जाने, कहाँ से ऑर्डर करेंगे, क्या होगा सर? इसके लिए हमारा अपने हमारी कंपनी है शिप्रा टाइल्स, शिप्रा इंजिकॉन, दोनों हमारी कंपनी है, उसका नंबर्स है, नंबर या नंबर है, वेबसाइट है हमारा shipratiles.com से, वहां से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर पे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। ये तो गजब का चीज देख लीजिए, छत में गर्मी में तो बहुत गर्म हो जाता है, उससे सर बोले कि आपको बचाएगा, मतलब ऐसी नई चीज है, हमारे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में लगे, आप देख सकते हैं अब दिल्ली मेट्रो तक में, यहाँ मतलब सब जगह आपका लगा हुआ है ना? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जूम करके तो दिखा देते हैं, दिल्ली मेट्रो हमारे प्रोजेक्ट्स के नाम भी यहाँ पे और भी है। बाकी जानकारी के लिए नंबर दिया हुआ, आप लोग इंक्वायरी भी कर सकते हैं। ये क्या सर इधर? ये उसी के एक्सप्लेन किए हुए हैं कि इस टाइल्स के अलावा भी जो और तरीके के ट्रीटमेंट होता है उससे ये टाइल्स कैसे बेहतर है, कैसे सस्ता भी है उससे बेहतर भी है, यानी आज के टाइम में कोई भी चीज जो ट्रीटमेंट छत का है वो उससे बेहतर है ये टाइल्स। तो और भी कंपनी तो ये बना रही होगी, आपकी एक दो कंपनी और बना रही है पर उनका प्राइस हमारे प्राइस से बहुत ज्यादा है, हम जिस रेट में इसको लाए हैं इस रेट में कोई नहीं। वो रेट क्या होगा? ये पूरा टाइल्स फिनिश रेट है, मतलब टाइल्स का कॉस्ट प्लस लेबर का कॉस्ट प्लस आपको मटेरियल जो टाइल्स लगाने में लगता है सब टोटल मिला के ये रेट है। वो पूरा अच्छा से रेट वो चार्ट बनाया हमने कि और भी क्या क्या तरीका है जो लोग करते हैं वो सब से कंपेयर किया हुआ है कि ये सबसे सस्ता है। और आपको ये भी बता दूं कि पूरे ईस्टर्न इंडिया में वी आर दी ओनली मैन्युफैक्चरर, हम एकमात्र है, और हम बिहार के तो बहुत गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में कई सारे में किए हुए हैं, बिहार के बाहर भी आप देख सकते हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छा कमेंट दिया। मैंने देख लिया मोबाइल में, आपको दिखा नहीं सकते लेकिन मैंने देख लिया, देखिए सीए के प्रेसिडेंट भी आकर यहां साइन करके गए हैं। थैंक यू सो मच। फर्स्ट टाइम इन ईस्टर्न इंडिया देख लीजिए, गर्मी में छत को 8 से 10 डिग्री तक ठंडा रखने का, ये काफी यूनिक चीज है गाइस, आप लोग इसके बारे में अच्छी जानकारी ले सकते हैं, नंबर जो देख रहे हैं उस पर आप लोग बात कर सकते हैं। आइए तो बाहर दोस्तों आ गए, यहाँ पर कुछ कुछ स्टोर वगैरह लगा हुआ आपको दिखाते चलेंगे, देख लीजिए मशीन वगैरह यहाँ पर लगा हुआ है, सब्जी वगैरह काटने वाला मशीन देख लीजिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देख लीजिए मेरे को लगा बोलेंगे 1000 लेकिन 180 रुपीज में आपको मिलने वाला है। फिर यहाँ पर देखिएगा कपड़ों का स्टॉल भी लगा हुआ है, आगे बढ़ते जाएंगे ऐसे करके बहुत सारे स्टॉल आपको दिखने वाला है, यहाँ पर बैग वॉलेट वगैरह का होगा, पर्स वॉलेट वगैरह होगा,
साड़ी वगैरह का यहाँ लगा हुआ है, इस तरह से देख लीजिए, दिखाते चलते हैं। जड़ी बूटी का भी है, जड़ी बूटी पता नहीं क्या है, खिलौनों का भी है, पिचकारी वगैरह, होली आने वाला है तो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, देख लीजिए, बड़ा पिचकारी भी होगा, चंदन फेस पाउडर, गोरा कर दे भाई एक मिनट में, एक सेकंड में। इधर का पूरा आपको दिखा दे गाइस, इधर का कुछ कुछ आपको दिखा दे, साड़ी वगैरह देखिए यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर आपको बंडी भी दिख जाएगा, 100 रुपए 200 रुपए 500 रुपए करके कोट भी दिख जाएगा, ठंडे का टाइम भाई साड़ी यहाँ पर भी लगा हुआ है, कुछ कुछ स्टॉल आपको रिपीट दिखने वाले, गर्मी है तो पंखा भी अभी से स्टार्ट कर दिया, गर्मी आने लगा है तो पंखा भी आपको मिल जाएगा, देख लीजिए इलेक्ट्रिक का यहाँ पर है। तो ये एक्सपो का काफी काम का, मतलब बहुत अच्छा एक्सपो मेरे को लगा अभी तक का, इसमें बहुत कुछ आपको घर से रिलेटेड, जमीन प्रॉपर्टी हो या फिर टाइल्स हो, पाइप वगैरह हो, ब्रिक्स हो, घर को ठंडा रखना हो, उससे रिलेटेड यहाँ पर बहुत कुछ आपको दिखने वाला है। तो आप लोग ये एक्सपो जरूर है, 27 फरवरी तक अभी एक्सपो का लास्ट डेट है, 27 को लास्ट डेट होगा। तो फाइनली यहाँ से निकलने वाले, तो अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। ओके बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में।